नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट जनरेट कर रहा है या 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स जनरेट कर रहा है, बना रहा है, ये सब चीजें हमने थियोरेटिकली सीखी हैं या मैंने मुंह से बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया, या हमने व्हाइट बोर्ड में बना दिया कि कैलकुलेट कर दिया कि हाँ इतना करना चाहिए, इतने पीक्स एंड आवर्स है तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंगली इतने यूनिट्स इसको जनरेट करने चाहिए। पर असलियत में एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट जनरेट करता है, आज की वीडियो में ये सीखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि रियल टाइम बेसिस पे एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट जनरेट कर रहा है, पता लगाएंगे कि उसने आपसे अब तक कितने यूनिट्स बना लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 11 अगस्त 2023 को लगा था, 11 से लेके आज तक टुडे इज 25th, उसने कितने यूनिट्स बना लिए हैं। और रियल टाइम बेसिस पे सुबह से लेके जैसे अभी जो भी टाइम हो रहा है, हम ऊपर चेक करेंगे कि कितना टाइम हो रहा है, जब से सूरज उगा है तब से अब तक वो टाइम हम ऊपर जाके चेक करेंगे उसने कितने यूनिट्स बना लिए हैं, और उसकी यील्ड भी चेक करेंगे। यील्ड व्हाट आई मीन टू से कि एक 5 किलोवाट का सिस्टम है, उसकी पावर 5 किलोवाट है, लेकिन अभी इस टाइम पर उसने 3 किलोवाट वो जनरेट कर रहा है, तो उसकी यील्ड हो गई 3 किलोवाट डिवाइडेड बाय 5 किलोवाट, 60% उसकी यील्ड हो गई। तो ये भी चेक करेंगे कि कितनी यील्ड ये दे रहा है और कितने यूनिट्स जब से सूरज उगा है 5:30 या 6 बजे के आसपास, उससे अब तक इसने कितने यूनिट्स बना लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं ऊपर। दोस्तों, ये हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर पैनल है, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है इसमें। और अगर बात करें सूरज की रोशनी में, तो सूरज की रोशनी भी काफ़ी अच्छी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लगभग 11 बज गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें अभी कितने यूनिट्स बना के दे रहा है। ये देखिए, ये पूरा 10 पैनल्स हैं 535 वाट्स के, तो लगभग 5.3 किलोवाट का ये सिस्टम है। अब चेक करेंगे कि ये हमें कितने यूनिट्स बना के दे रहा है, उसके लिए हम जो इन्वर्टर है इससे कनेक्टेड है, इन्वर्टर को चेक करेंगे उसके डिस्प्ले में ये कितने यूनिट्स बना के दे रहा है। सूरज की रोशनी ये ईस्ट है, यहाँ पे देखें सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी आ रही है। अगस्त का महीना है, 25th अगस्त 2023, हालाँकि मानसून का सीज़न अभी जस्ट पास अवे होने वाला है, फिर भी रोशनी अच्छी है। चलिए चेक करते हैं नीचे जाके कि ये कितने यूनिट्स बना रहा है। अब ये हमारा पॉलीकैप का 3-फेज इन्वर्टर है, 3-फेज इन्वर्टर आई मीन टू से कि ये 3 फेजेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पावर को, और उससे एक फेज पर लोड नहीं पड़ता। तो ये हमारा 3-फेज इन्वर्टर है, चेक करते हैं कि ये इसका स्टेटस क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की डेट है 25th अगस्त 2023, और ये स्टेटस दिखा रहा है जनरेटिंग। अब ये ध्यान से देखिए, स्टेटस इसका जनरेटिंग है, पावर अभी जनरेट कर रहा है 3740 वाट्स, 11 बजे के आसपास 3740 वाट्स। तो अगर मैं इसकी यील्ड निकालूं, 5 किलोवाट का सिस्टम है, 3.75 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो लगभग ये 74% के आसपास इसकी यील्ड है, दैट इज़ क्वाइट गुड। 11 बजे के आसपास ये 74% अपनी कैपेसिटी का जनरेट कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स है। अब देखिए टोटल एनर्जी इसने कितनी बना दी है। मैंने आपको बताया था कि हमने 11 तारीख को, 11 अगस्त 2023 को ये 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल किया था, और आज 25 अगस्त है, तो 15 दिन मान लेते हैं, 15 दिन में इसने 250 किलोवाट आवर या 250 यूनिट्स इसने जनरेट किए हैं। तो 250 को अगर मैं 15 से 16 यूनिट से ज़्यादा, डेली की जो एवरेज है 16 यूनिट से ज़्यादा इसने बनाई है 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम से। अगर मैं बात करूं अगस्त के महीने की, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगस्त का महीना यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा मानसून बारिश रही, तो 15 दिनों में इसने एवरेज निकालें तो 16 यूनिट्स से ऊपर इसने बनाए हैं, तो दैट इज़ क्वाइट गुड। तो ये सोलर पावर सिस्टम हमारा ठीक काम कर रहा है। अब यील्ड हमें पता लग गई इस पॉइंट ऑफ टाइम में, 75% इसकी यील्ड है। आगे देखते हैं, ये देखिए 250 किलोवाट आवर इसने बना लिए हैं 15 दिनों में। आज देखिए, आज इसने कितना बनाया है, टुडे 8.9 किलोवाट आवर इसने बनाए हैं, मतलब कि लगभग 9 यूनिट्स ये बना चुका है। अगर मैं मानूँ 5:30 बजे सूरज उगा, 6 बजे मान लेते हैं, 6 से 11, लगभग 5 घंटे में इसने 9 यूनिट्स बना दिए हैं।
तो ये भी अच्छी बात है, सूरज की रोशनी अच्छी है। यस्टरडे अगर देखें तो लगभग इसने 15 यूनिट्स कल बनाए थे, कल सारा दिन बादल थे उसके बावजूद भी इसने अच्छे यूनिट्स बना दिए हैं। तो ये 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। आज हमने देखा, आज इसने 9 यूनिट्स बना दिए हैं। आज का दिन है 25 अगस्त 2023 और अभी लगभग 11:08 या 10 हुए हैं। तो 5 घंटे में मान लेते हैं सुबह 6 बजे अगर सूरज उगा है, 6 से 5 11 बज गए, तो इसने 5 घंटे में 9 यूनिट इसने बना दिए हैं। और कल इसने 15 यूनिट्स बनाए थे 24 अगस्त को क्लाउडी था यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, उसके बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने पता लगा लिया कि 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम रियल टाइम बेसिस पे कितने यूनिट्स बना रहा है। कोई भी सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि वहाँ पे पीक सन आवर्स कितने हैं, यानी कि सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है। सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है तो आपका सोलर पावर सिस्टम, आपके सोलर पैनल्स अच्छे यूनिट्स बनाएंगे, अच्छे यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। और डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, अगर आपकी लोकेशन इक्वेटर के पास है जहाँ पे आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं तो वहाँ पे हमें सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी इक्वेटर पे ज़्यादा तेजी, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा तेज होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाएंगे, ग्रेजुअली इफ वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो लैटिट्यूड लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सनलाइट इंटेंसिटी वहाँ क्या होगी। और दूसरा डिपेंड करता है कि टाइम ऑफ द ईयर, कौन से समय पर आप पता लगा रहे हो कि आपका सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स बना रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगस्त में मॉनसून के सीजन के आसपास है, जहाँ पे क्लाउडी वेदर हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी हमें कम देखने को मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी बाकी महीनों के मुकाबले। जैसे कि अगर हम बात करें नवंबर की या फरवरी, मार्च, अप्रैल, जहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि स्काई क्लियर होता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि किस महीने में, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, किस पॉइंट ऑफ टाइम में, कौन से महीने में हम सनलाइट इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं। और तीसरा डिपेंड करता है टिल्ट पर, अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली आपका टिल्ट होना चाहिए सोलर पैनल्स का। अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली टिल्ट नहीं होगा, राइट टिल्ट नहीं होगा, तो सोलर पैनल्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और हमें ज़्यादा आउटपुट सोलर एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगी इन टर्म्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा डिपेंड करता है कि दिन में क्या टाइम है। अगर सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे आप चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो आपका सोलर पैनल कम पावर प्रोड्यूस करेगा। अगर नून के टाइम पे है, 12, 1, 2 बजे के आसपास, तो वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपका सोलर पैनल ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो रही बात प्रैक्टिकल की, मैं दोबारा मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।